अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आया हूँ जोगेश्वरी में अजित ग्लास के पास। जैसे कि आप ये गार्डन देख सकते हो यहाँ पर, माशाल्लाह ये गार्डन है यहाँ पर अजित ग्लास का, आपको सामने नज़र आएगा ये गार्डन है। और यहाँ से अगर आप जाते हो तो ये वैशाली के तरफ एरिया जाता है और यहाँ पर एक होटल है फूड पॉइंट। जी हाँ, आज हमारे व्यूवर्स के लिए ना फूड पॉइंट में कुछ ऑफ़र है, थोड़ा सस्पेंस है। वो ऑफ़र क्या है ना, यहाँ के ऑनर शमीम भाई वो आज हमको बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं इस होटल में और जानते हैं कि भाई क्या ऑफ़र और क्या माजरा है, ये सब जानते हैं। तो आज हमारे साथ हैं यहाँ के ऑनर शमीम भाई। अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शमीम भाई, जैसे कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर, तो पहले तो मुझे बता दीजिए कि क्या माजरा क्या है भाई। अभी होटल चल रहा था हमारा। जी जी माशाल्लाह। अभी इसको हम थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। शिफ्ट कर रहे हैं? जी 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 जी। तो अब इसको, ये जो सामान है, जी जी, इस सामान को हम क्लोज मतलब बेचना चाहते हैं। अच्छा, ये बेचने हैं? जितना भी सामान, जितना भी सामान हमारे यहाँ, जी जी जी, उसको हम बेचना चाहते हैं। बेचना चाहते हैं। अगर किसी होटल वाले को और किसी को ज़रूरत हो, जी जी, तो आए हमारे यहाँ, हमसे संपर्क करें, हमसे बात करें, उसको हम आधे रेट में देंगे। आधे रेट मतलब क्या? कम जो कंपनी में रेट है नए सामान का, जी जी, उसका आधे रेट में हम देंगे। आधे रेट में। तो मुझे यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि सारा जो सेटअप आपका प्योर स्टील में, प्योर स्टील में। प्योर एक नंबर स्टील है और एक नंबर का सब सामान है। और अगर कोई होटल वाला ले जाता है तो माशाल्लाह उसका बहुत फायदा है। जी जी। चलो, ये तो आपने बताया कि कोई होटल वाला लेता है, लेकिन अगर कोई किसी को चार कुर्सी की और एक टेबल की जरूरत है तो वो आके आ सकता है? जी जी बिल्कुल। चलिए, और अगर कोई पूरा लमसम लेता है तो कुछ उसके लिए बैठ के बात करने का, कुछ बैठ के बात करते हैं, जो होगा जो बेस्ट होगा कर ले। चलिए तो ठीक है शमीम भाई, चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले आप एक एक चीजें हमें बताइए, क्या आपके होटल में सेटअप कैसे है बताइए। पहले कुर्सी से शुरुआत करते हैं। जी जी, कुर्सी बताइए। माशाल्लाह, देखिए ये कुर्सी है पूरी, ये देखिए प्योर स्टील है, प्योर स्टील की। जी जी। देखिए दोस्तों, ये जो है ना प्योर स्टील की है, आपको जैसे मैं बता दूं, माशाल्लाह प्योर स्टील की है और एकदम न्यू, पूरी न्यू है, समझ जाओ। ठीक है। और ऐसे कितनी कुर्सी आपके पास? ऐसे हमारे पास 50 कुर्सी। 50 कुर्सी है। जी जी। ठीक है। जे देख, नए कुर्सी का जो भी रेट रहेगा ना दोस्तों, न्यू कुर्सी का जी जी, जो भी रेट रहेगा आप निकाल लेना मार्केट में। शमीम भाई कह रहे हैं सीधा सीधा 50 हाफ जी में जी, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सीधा हाफ में मिलेगी। तो ये एक कुर्सी हो गई भाई, और यहाँ पर एक टेबल है। ऐसे टेबल कितने हैं शमीम भाई? टेबल है 12 टेबल है। देखो टेबल की क्वालिटी वगैरह मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए ऐसे 12 टेबल है भाई। ये टेबल है, आपको मैं आपको बता दूँ, ये इस तरह से टेबल मिलेगा, पूरा वेल टेबल है ये पूरा। और ये देख लीजिए माशाल्लाह, नीचे से भी ले लीजिए, सब पूरा स्टील है, पूरा स्टील। देखिए नीचे भी मैं आपको बता दूँ, ये नीचे भी पूरा स्टील है और पूरा वर्क किया गया है भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम किया गया है इसमें, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। ऊपर में जो फैन वगैरह लगे हुए हैं, उसकी जैसे कि फैन है आपके पास, तो ऐसे फैन कितने हैं आपके पास? फैन हमारे पास ये वाले फैन तो हैं 7-8 फैन है। ठीक है। हाँ। तो फैन भी सेम आधे रेट में मिल जाएगा। ठीक है। नया जो है ना, उसके मुकाबले में ये जो है आपको आधे रेट में मिलेगा। तो अब सर काउंटर्स की तरफ बढ़ते हैं। पानीपुरी काउंटर, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बता दूं। हाँ। ये देख लीजिए पानीपुरी काउंटर है ये, और उसको पूरा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये देख लीजिए इस तरह से पूरा इसको डिजाइन किया गया है, और बहुत अच्छे से, और सबसे अच्छी बात है कि प्योर स्टील में, प्योर स्टील, प्योर स्टील में, कहीं से भी मतलब ये न्यू है एकदम न्यू है। अच्छा। हाँ। बिल्कुल पूरा न्यू है, कहीं भी जंग लगा नहीं है, कहीं भी जंग लगा है। और ये भी रनिंग है भाई, रनिंग एकदम है, एकदम रनिंग है। हाँ। और साथ में ये क्या है सर? ये है क्या है भाई? पाव भाजी काउंटर। अच्छा, ये पाव भाजी काउंटर, देखो यहाँ पे पाव भाजी काउंटर है, मैं आपको बता दूँ। हाँ। इस तरह से यहाँ पे पूरा सेटअप किया गया है, इसके डोर भी है, लॉक वगैरह सब मिलेगा आपको। हाँ। ये मैं इसको बाहर से भी बताऊंगा आपको। हाँ। और यहाँ पर जो आपका पिज्जा वगैरह सैंडविच वगैरह बनता है, पिज्जा सैंडविच वगैरह का काउंटर है। देखिए ये भी काउंटर, और सबसे अच्छी वड़ा पाव भी चलेगा। अच्छा, वड़ा पाव के लिए भी चलेगा? हाँ, चलेगा। और बना बनाया है? बना बनाया है, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास है, बना बनाया है, मजबूत है। कम से कम 150 किलो होगा ये। 150 किलो? 150 किलो से ज्यादा है यार। देखो 150 किलो का है, 18 गेज में बना, बहुत मजबूत। ये देखिए मैं आपको कितना गेज बताया सर? 18 गेज। देखिए टेक्निकल बात है, सर को पता है इसके बारे में। जी जी जी। ये देख लीजिए यहाँ पे मजबूत है, बाहर का लुक बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी। एकदम मजबूत है। हाँ। और अगर कोई न्यू सेटअप कर रहा है होटल का। हाँ। तो उसके लिए बेनिफिट है कि आपको अगर बहुत अच्छा न्यू होटल को करने जा रहा है, जी जी, उसका आधा फायदा होगा, आधा फायदा होगा। देखिए ये काउंटर्स यहाँ पर है, और भी काउंटर्स है वो भी देखते हैं सर। ये कैश काउंटर को भी करना है अभी? हाँ, कैश काउंटर भी जाएगा। देखिए कैश एकदम न्यू बनवाया, अभी एक महीना हुआ बनाया। अच्छा, इसको भी न्यू बनाया है? जी जी। ये देख लीजिए कैश काउंटर है, इस तरह से यहाँ पे पूरा सेटअप है, ये देख सकते हैं आप। हाँ। ये पूरा सेटअप किया हुआ है कैश काउंटर का। ये भी जो है सेम मार्केट में नया जो होता है, उसके मुकाबले में आपको आधे में मिल जाएगा। ये सर ओवन वगैरह सैंडविच? ओवन भी, ओवन, ये ओवन है, देखिए ऐसा दो ओवन है। अच्छा,
ऐसा दो ऑन है, एकदम चालू चालू है अभी, चालू कंडीशन में। और ये ग्रिल सैंडविच का है, ये ग्रिल सैंडविच का है। देखो भाई जो ये तवा है जी, इसके अलावा शमीम भाई ये क्या चीज है शमीम भाई? ये जूस काउंटर है। अच्छा ये जूस काउंटर है। जी जी जी, अच्छा खासा बना हुआ है भाई, बेहतरीन बना हुआ, प्योर स्टील है पूरा, प्योर स्टील बोल रहे हैं। जूस काउंटर है भाई, देखो जूस काउंटर है, इधर कांच भी लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह। और इसका जो है नीचे 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 ड्रॉर भी है, नीचे नीचे ड्रॉर भी है, देखिए भाई माशाल्लाह, ये देखिए ड्रॉर वगैरह है और अच्छा खासा है। इसमें दो ड्रॉर है, यानी कि अंदर सामान अच्छा खासा स्टोर हो सकता है, सिंगल भी ले सकते हैं। शमीम भाई ने बोला सिंगल भी ले सकते हैं, बराबर। ये देखिए मैं थोड़ा सा दूर से बता दूं, ये है जूस काउंटर, पूरा पूरा अच्छा खासा बना हुआ है और ग्लास लगे हुए, 6 फीट का है ये, 6 फीट का। हाँ हाँ, ये भी जरूरी है बताना, 6 फीट, 6 फीट का, और हाइट जो है इसकी भी 6 फीट के ऊपर है, हाइट भी 6 फीट, 6 फीट है, ठीक है। तो ये जूस काउंटर है, ये क्या है अपना शमीम भाई? ये तंदूर काउंटर है। अच्छा ये तंदूर काउंटर है, ये सिंगल, हाँ सिंगल, सिंगल तंदूर काउंटर है। इसमें भी एक डोर बना हुआ है भाई, ऐसे डोर अच्छे खासे डोर और स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है, बराबर। ये देखिए तंदूर काउंटर भी एकदम बना हुआ है, ये स्टील, स्टील वो है, हाँ, उसमें मार्बल लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, पूरा प्योर स्टील है, अंदर भी बहुत अच्छा बना हुआ, देखो अभी आगे चल रही है यहाँ पे। ये आपको मैं बता दूं, ये तंदूर काउंटर है भाई, ये बहुत बढ़िया बना हुआ है, अच्छा है, कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, छोटा भी बहुत नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा काउंटर, कोयला बहुत कम लेता है ये, अच्छा बहुत कम लेता है, ठीक है। इसमें कोयला वगैरह कैसे डालते हैं भाई अंदर से, वो अलग सिस्टम है क्या? नहीं नहीं, इसी ऊपर से डालते, अच्छा ऊपर से डालते हैं। देखो तंदूर काउंटर भी है, मतलब एक पूरा कंप्लीट सेटअप इनके पास है, जो लमसम में लेता है उसके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बराबर। और उसको सर थोड़ा एडजस्ट भी करेंगे प्राइस वाइज, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई काउंटर को लेकर, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हूँ। तो अभी थोड़ा किचन में चलते हैं हम लोग, और किचन में भी देखते हैं कि किचन में और क्या आइटम्स हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए किचन में भी, चलिए चलते हैं किचन में, चलते हैं हम लोग और किचन का भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ा अभी होटल रनिंग है ना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा, हाँ ये देख लीजिए यहाँ पर, ये ओवन, ये ओवन भी देना, ये ओवन भी भाई, देखो ये ओवन भी, ये छोटा काउंटर, मार्केट रेट रहेगा उसके हिसाब से, ये काउंटर है, ये क्या आइटम है भाई? चम्मच उम्मच रखने का, चम्मच उम्मच रखने का है काउंटर। देखिए वीडियो में जितना भी आपको दिख रहा है ना, मैक्सिमम जो है आपको 100% सारी चीजें देनी है, प्योर स्टील है, प्योर स्टील है, क्योंकि जंग वगैरह लगता नहीं स्टील में, इसलिए बनाते हैं। और ये वाला काउंटर है, ये क्या काउंटर है? ये तो काउंटर हम लोगों ने ले लिया है, बर्तन वर्तन रखने के लिए और कचरा रखने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ये काउंटर है, ये बहुत बढ़िया बना हुआ, ये भी प्योर स्टील बना हुआ है, प्योर स्टील, मैक्सिमम 100% सब स्टील में ही बना हुआ है। जी जी जी, ये किचन का सेटअप है इनका, और ये जो है ये क्या है? इंडियन चूल्हा है। अच्छा इंडियन चूल्हा है, इंडियन चूल्हा है। अच्छा इसमें से बड़े बड़े, देखो ये भाई ये इंडियन चूल्हा है यहाँ पर, ये भी पूरा 6 फीट से ज्यादा ही है, पूरा 6 फीट के ज्यादा। तो इसमें एक चीज और पूछनी थी, ये बर्तन वर्तन जो है वो भी साथ में आएंगे या फिर खाली बर्तन भी साथ में दे देंगे? बर्तन भी साथ में, अलग जो भी चाहिए किसको ले जा सकते, जहाँ जो भी चाहिए लेके जाइए। देखिए बर्तन रखने का है और यहाँ पे मसाला वगैरह रखते हैं, स्टोरेज, ये सेटअप है, ये सेटअप है, ये देखिए ये क्या, कौन सा काउंटर है, ये कौन सा है भाई? इंडियन सेटिंग काउंटर, इंडियन सेटिंग काउंटर, देखो इंडियन सेटिंग काउंटर है दोस्तों ये। और ये देखो अभी यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग है, रनिंग है, ये गैस चल रहा है, पूरा एकदम चल रहा है, पूरा एकदम वर्किंग है सब। तो इसमें कितने गैस है? ये दो ही गैस है इसमें, नहीं तीन है, इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तीन बर्नर है। ये चाइनीज काउंटर है, ये चाइनीज काउंटर है, ये चाइनीज चूल्हा है, चाइनीज चूल्हा है। अच्छा तो ये एक चीज हो गई, ऊपर का एक अलग सिस्टम है, यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप रखा हुआ है। जितना भी आपको वीडियो में नजर आ रहा है ना, आप आ सकते हैं, शमीम भाई का नंबर ऊपर दिया हुआ है। बाटला भी देना है, गैस का बाटला, गैस का बाटला, बड़ा हुआ है, तीन बाटले ऐसे हमारे। अच्छा अच्छा, तो ये भी मिल जाएगा आपको, जो भी रहेगा वो। ये रैक है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है, सामान है, और ये काउंटर ये भी है, लकड़े का है। देखिए मैक्सिमम जितना नजर आ रहा है ना सब है, ये भी एक डोर, देखिए काउंटर है, ये भी काउंटर है, ये भी मिल जाएगा आपको। ये वॉश बेसन है, वॉश बेसन है, जी जी, पोर्टेबल है, वो तो वो है काउंटर है, नहीं ये पोर्टेबल है, मतलब मूव कर सकते हैं, पोर्टेबल है। देखो पोर्टेबल वॉश बेसन है, ये भी एक तरह का क्या है भाई? ये मशीन है, कौन सी मशीन है भाई? ये बर्फ की मशीन है क्या? ग्राइंडर है, ग्राइंडर। अच्छा ग्राइंडर, अच्छा ये ग्राइंडर है, ग्राइंडर है मसाला पीसने वाला। देखो भाई मसाला पीसने वाला ग्राइंडर है, ये भी अभी थोड़ा लाइट यहाँ पर कम है, इसके लिए लाइट है क्या भैया यहाँ पे? थोड़ा लाइट जलाओ तो, हाँ लाइट जलाओ तो थोड़ा और अच्छे से हमारे व्यूवर्स को पता चला। देखिए लाइट, हाँ हाँ, ये देखो भाई लाइट आ गई। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये ग्राइंडर है, सिंगल भी ले सकते हैं, आकर आपको लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला शर्मा मशीन है, शर्मा मशीन, शर्मा मशीन एकदम बेहतरीन है, बेहतरीन मशीन एकदम फर्स्ट क्लास है। ये देखिए शर्मा मशीन एकदम फर्स्ट क्लास है, अंदर बना हुआ शर्मा मशीन भाई, पूरी एकदम एक नंबर प्योर स्टील में बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत महंगी मिलती है भाई, ये बाहर बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है बाहर। ये अभी जाली वगैरह ये पहले लग, हाँ बर्नल इसका खराब है। अच्छा बर्नल खराब है, बर्नल लगाना पड़ेगा, ठीक है वो देख लेंगे, बर्नल सही है। अच्छा ठीक, चलो वो तो जो लेगा उसको रिपेयर कर लेगा। जी जी जी। ये हो गया आपका, ये चीज हो गई। और यहाँ पर ये भी वॉश बेसन है,
हाँ ये बर्तन रखने वाला है। अच्छा चलो ये बर्तन रखने वाला है। ये जो है वाशबेसन। ये देखिए ये भी स्टील का। अच्छा एक बात ये है कि पूरा ना स्टील का है भाई सेटअप, पूरा स्टील का है। और बर्तन वगैरह भी अगर आपको चाहिए, एक होटल वगैरह अगर कहीं सेटअप ओपन कर रहे हो तो उसके लिए बेहतरीन सेटअप है, बेहतरीन सेटअप है। और अच्छा खासा चानस में है भाई, ये चानस में है। अगर किसी को नया होटल खोलना है या पुराना होटल है उनके लिए बहुत चानस है, बहुत चानस, बहुत बहुत बेहतरीन। अगर उनका कहीं पे 10-12 लाख रुपए खर्चा हो रहा है जी जी, तो बहुत कम में उनका, बहुत कम में, बहुत कम में। देखिए आकर आपको मालूम है ना जी, मतलब कितना आपने पहले बनाया था, कितना खर्चा होता है, कितने का एक छोटा एक काउंटर लेने जाओ ना, ये चूल्हा लेने जाओ, ये वाला चाइनीज का चूल्हा कम से कम मिलेगा मार्केट में 35,000-32,000 ऐसा लगते हैं। ये काउंटर 20,000-30,000 का मिलता है। अच्छा तो मैं आधे रेट में दूंगा, आधे रेट में देंगे, जो भी रेट होगा मार्केट का आधे रेट में देंगे। देखिए और देखो ये रैक भी है भाई, ऐसा रैक 6 रैक है, देखो ऐसे 6 रैक्स है। अच्छा अंदर वो भी है क्या भाई, अंदर क्या है? अंदर वो है क्या नाम है, 1,000 लीटर की टाकी है। अरे देखो भाई टाकी भी है भाई, टाकी भी है, पानी की टाकी है। मतलब एक तरफ से देखो ना तो यहाँ पर अगर आप आओगे शमीम भाई से मिलोगे तो और भी पुराना चूल्हा सब रखा हुआ है भाई, सब है मैक्सिमम सब चालू है, रमजान में ये सब लगता है। चलो चलो सही, ये सब चालू, बस खाली वो रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है। तो देखो मैं एक बात बताऊं, ये होटल वाइंड अप हो रहा है, मतलब कहीं और शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिहाज से जो है ना यहाँ पर जितना भी सामान या जो भी कुछ आपको नजर आ रहा है वीडियो में, आप आइए आकर शमीम भाई से मिलकर बैठ के बात कीजिए। नया सेटअप है या किसी को थोड़ा सामान चाहिए, देखिए रैक्स लगे हुए यहाँ पे, ऐसे रैक्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, स्टोरेज के लिए रैक्स था। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि भाई लाइट्स भी है, फैंस भी है, सीसीटीवी कैमरे भी है इनके, अगर किसी को कैमरे में इंटरेस्ट है तो कैमरे भी ले सकता है। और मैक्सिमम बोलते ना सामान यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है, मैक्सिमम सामान बोलते ना बहुत चैनस में जो खोल रहा है उसके लिए बेनिफिट है। ये भी एलईडी वो है। अच्छा ये वाले बल्ब देखो भाई, सामने एलईडी है ना, उसमें जो वो होता है क्या क्या बोलते हैं इसको भाई, ये अच्छा ये डिजिटल डिजिटल हाँ डिजिटल हाँ। देखो भाई एक बात और है, ये डिजिटल अभी बंद है क्या भाई? अभी बंद है, अभी बंद। अच्छा देखो ये डिजिटल, हाँ डिजिटल लाइट जो है ना, ये बोर्ड है डिजिटल, अगर ये भी किसी को चाहिए तो ये भी ले सकता है, कस्टमाइज किया हुआ है। बराबर ठीक है। तो शमीम भाई आखिरी में क्या बोलना है, शमीम भाई हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट एक साथ कोई लेता है तो बेस्ट ऑफर है, बेस्ट है। और अगर कोई सिंगल भी आकर लेता है तो सिंगल भी आके ले सकता है, ले सकता बात नहीं ले सकता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके हाँ वो आए। देखिए वीडियो जितना जल्दी गया और जिसने देखा वो जो चीज चली गई उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये फैंस है सर, हाँ फैन भी, देखो भाई ये ऐसे फैंस भी है, ये वाले फैंस भी हैं, चार फैंस है ये भी बता दूं। देखिए अभी पूरा वीडियो में तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, एड्रेस जो है सर कहाँ पर है आपका एक बार? ये एड्रेस हमारा जो है जोगेश्वरी वेस्ट अजीत ग्लास गार्डन अमृत नगर में जी, गार्डन के बिल्कुल सामने। और आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी फूड पॉइंट आ जाता है, बिल्कुल आएगा, और स्विगी में जोमेटो में हर जगह हर जगह आएगा फूड पॉइंट जोगेश्वरी वेस्ट फूड पॉइंट, कई होटल है वेले पार्ले में है, वहाँ है, वहाँ का नहीं, ये फूड पॉइंट जोगेश्वरी वेस्ट डालेंगे गूगल में जी जी तो पूरा आएगा, पूरा आएगा जी जी। तो चलिए शमीम भाई फिर आपसे इजाजत लेते हैं जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत अच्छा चानस का माल है भाई, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ चानस का माल है, जितना जल्दी हो सकता है आइए वीडियो जाने के बाद, कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, दूर है तो दूर से बात कीजिए, नजदीक है तो आकर विजिट करके बात कीजिए। तो हाँ भाई कॉन्टेक्ट नंबर लो ना, कॉन्टेक्ट नंबर सर आपका ऊपर स्क्रीन पे चला गया है, फिर भी एक बार आप बोल दीजिए कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 9833185883 जी, दूसरा नंबर है 9619442829 तो इस पर आप जो है हमसे कांटेक्ट की राबता कायम जी बिल्कुल। तो ये थे शमीम भाई जिन्होंने अपने होटल को लेकर जो है सारा ऑफर जितना भी हमने आपको स्टार्ट में बताया था सब कुछ जो है हमने बता दिया यहाँ पर। तो वीडियो को अभी फिलहाल ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यही खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह दूसरे ब्लॉग में दूसरे शॉप के साथ आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।